नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। मैं आज आपको यह 11 ज्योतिर्लिंग अद्भुत रियर केस में फाउंड होने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बताऊँगा। आप देख सकते हैं सभी एक झलक में, और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक ऐसा नर्मदेश्वर शिवलिंग बताऊँगा जिसको देखकर ही मात्र आप धन्य हो जाओगे, जिसके दर्शन करने के मात्र ही आप धन्य हो जाओगे। इतना अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो चलो दोस्तों आइए स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले देखिए ये स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग, जैसे कि आप जानते हो प्राकृतिक रूप से है, इसमें जेन्यू बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद ये ग्रीन कलर नीलकंठेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये चंद्रबिंदुधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग है, देखिए चंद्रमा के जैसे आकृति बनी हुई है। ये सभी बहुत ही रेयर केस में मिलता है। उसके बाद ये देखिए ऐसा शिवलिंग तभी तक मिला ही नहीं है, इसमें दीपक के समान ज्वाला जल रही है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा शिवलिंग अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर में ऐसा शिवलिंग भी फर्स्ट टाइम ही मिला हुआ है। ये जितने भी सारे शिवलिंग है आपको मैं फर्स्ट टाइम मिलने वाले बता रहा हूँ। ये देखिए अर्धनारेश्वर, इतना बेस्ट अर्धनारेश्वर तो आपने भी कभी देखा नहीं होगा। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ही आप देखिए जनेऊधारी, जिसमें सामने नेत्र के समान आकृति भी बनी और जनेऊ बनी है, वही रेड कलर का शिवलिंग 4 इंच में, और यह पीताम्बरेश्वर जैसे कि आप जानते हो। उसके बाद ये महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग, और इस वीडियो के अंत में जैसे कि मैंने आपको कहा था अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। मैं आप ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाऊँगा जिसके दर्शन से मात्र आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलो आइए दोस्तों उस शिवलिंग के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यह वह शिवलिंग है जिसमें देखिए प्राकृतिक रूप से है, जिसमें हनुमान जी की आकृति बनी हुई है, आप देख सकते हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको स्पष्ट रूप से हनुमान जी की आकृति दिख रही होगी। ये देखिए कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। इतना बेस्ट हनुमान जी का दर्शन किसी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग में आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए बहुत ही अद्भुत आकृति हनुमान जी की एकदम क्लियर रूप से आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों यह शिवलिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।